तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई लोगों, आप लोगों को तो पता है कि हमारा सुपर हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि उसका मर्डर हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है कि सुपर हीरो को किसने मारा, तो मैं आपको बता दूं कि सुपर हीरो को मारने वाला कोई और नहीं भाई, ये फौजी लोग है। सुपर हीरो तो केवल ज़ॉम्बियों को मारने के लिए तो गया था, लेकिन ये फौजी लोग बोले कि तू यहाँ से ही भाग जा वरना मारा जाएगा, और चाकुओं से वार किया बहुत ही ज्यादा। दोस्तों यार, सुपर हीरो ऐसे ही थोड़ी चला जाता, ये लोग ज़ॉम्बी वायरस फैला रहे थे, तो सुपर हीरो ने भाई ज़ॉम्बियों को तो मार दिया, लेकिन भाई चाकुओं के इतने वार से सुपर हीरो का खून बहुत ज्यादा बह चुका था, और आखिर में वही हुआ भाई, सुपर हीरो मारा गया। दोस्तों दुख तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन क्या करें भाई, ये लोग किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम लोगों ने इनको बहुत ही ज्यादा सबक सिखाया, लेकिन अभी हमारे साथ में है रोबोट्स भाई, वो समुंदर से बाहर निकलकर हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और ये कोई मामूली रोबोट्स थोड़ी है भाई, ये लोग पलक झपकते ही हजारों लोगों को मार सकते हैं, और इनकी पावर के आगे तो भाई वो फौजी लोग कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई, गोला बन गया ना, अब इसके ऊपर फौजी लोग चाहे से तोप बरसाओ या फिर कितने ही गोलियां बरसाओ भाई, इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। और यही नहीं भाई, इस वॉच टाउन का सबसे बड़ा रोबोट ये है, इसका नाम है एयरक्राफ्ट भाई, ये सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत रोबोट है, और इसको मिशन मिला है कि इस मिलिट्री बेस को जड़ से खत्म करना है, यानी भाई इस पूरे मिलिट्री बेस को उड़ा देना है। अब यार ये हमला ऐसे नहीं करेगा, ये पूरी प्लानिंग के साथ में करेगा, ये देख रहा है कि यहाँ पे कितने सारे फौजी है और कितने नहीं है। ये देखो भाई, अभी यहाँ पे काफ़ी कम फौजी है, और ये छोटा सा मिलिट्री बेस है, यानी उसका तो भाई आधा भी नहीं है। और ये देखो भाई, एक फौजी बाहर आ रहा है, सबसे पहले उसको मारेंगे। और अभी यार इन फौजियों को पता भी नहीं है कि इनके बाहर इतना शक्तिशाली रोबोट घूम रहा है, और ये एक तो गया काम से। अभी पूरे मिलिट्री बेस पर अटैक करने का टाइम आ चुका है भाई लोगों, इसलिए मैं अंदर जाता हूँ और सभी फौजियों को मारकर इस पूरे मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लेता हूँ, और इनकी टैंक भी चुरा लेंगे भाई लोगों हम। लेकिन दोस्तों इनकी यार एक खासियत है कि यार इन लोगों को मारेंगे ना तो पुलिस वाले जरूर आएंगे, और आप लोगों को तो पता है कि हमारे वॉच टाउन की पुलिस कितनी ज़्यादा ताकतवर है, उनके पास में हेलीकॉप्टर भी है, और ये एक तो आ गया, लेकिन हमारा रोबोट कोई मामूली रोबोट थोड़ी है यार, ये पुलिस वालों से भी नहीं डरता है और ना ही किसी फौजी लोगों से डरता है, ये डरता है तो बस पुलिस वालों के टैंक से, और पुलिस वालों का टैंक आ चुका है। अभी इस रोबोट का क्या होने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार हमारे पास में भी टैंक है, हम लोग भी इस टैंक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं भाई, इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि ये टैंक रोफिरो की रक्षा के लिए है। और भाई अंदर जाते ही ये लोग तो भाई ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग गए है, एकदम तोप वगैरह सबसे भाई, इनके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है, इनके पास में ढेर सारी गन है और ढेर सारे तोप वगैरह सब चीजें। ये देखो भाई, अभी मेरे को लगता है कि हमारी गाड़ी फटने वाली है, और ये ज़ॉम्बी फिर से आ गया भाई, सब कुछ इसी की वजह से ही तो हुआ है। अगर ये ज़ॉम्बी यहाँ पे आता ही नहीं तो सुपर हीरो भी नहीं आता, और सुपर हीरो यहाँ पे नहीं आता तो वो मरता भी नहीं ना। अभी सबसे पहले इसको कंकाल बनाएंगे। ओ भाई क्या गन है हमारे रोफिरो के पास में, सीधा कंकाल। यार इनको तो ये सबक तो मिलना ही था ना, अभी कंकाल बन चुके हैं भाई ये सारे के सारे फौजी। लेकिन अभी पता है मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा अपनी टैंक के पास में, क्योंकि इन लोगों से निपटना है ना तो टैंक तो चलानी पड़ेगी ना। अभी ये लोग सारे के सारे मेरे पीछे पड़ चुके हैं, रोफिरो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसका खून बहुत ही ज़्यादा बह चुका है, इसलिए टैंक के अंदर बैठते हैं, और टैंक के अंदर बैठने के बाद में हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। भाई तुम कितना ही गोले बारूद चला लो, लेकिन हम लोगों को नहीं मार सकते अब, क्योंकि हम लोग टैंक के अंदर है। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई सब्सक्राइब कोई बार बार करने की चीज़ थोड़ी है, बस एक बार कर लो, इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुँचे ना। और दोस्तों यहाँ पर सबसे शक्तिशाली टैंक ब्लू टैंक भी आ चुका है, यार उसको मारना थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन अभी देखते हैं कि ब्लू वाला टैंक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर हमारा पिंक वाला टैंक। अभी इन दोनों की टक्कर कराते हैं, लेकिन दोस्तों यार ये ब्लू वाला टैंक यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गया, यार लगता है कि इसने एयरक्राफ्ट रोबोट को भी मार दिया। अरे भाई हमारे शक्तिशाली रोबोट को भी मार दिया, और ये देखो भाई हम भी इस रोबोट को नहीं छोड़ेंगे, इस पुलिस वाले रोबोट को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और ये ब्लू वाला टैंक हमारे ऊपर तोप चला रहा है ना, यार इसको भी उड़ाते हैं। अभी रुक जा भाई रुक जा, ओ हम तो यहाँ पे उलझ चुके हैं, और ये गया काम से। दोस्तों यार इसी ने मारा है ना हमारे एयरक्राफ्ट रोबोट को, लो सर जी इसको भी बुरी तरीके से मार दिया,
और अभी यार अभी मैं किसको भी नहीं छोड़ूंगा। और यार ज़्यादातर फौजी मर चुके हैं, बस इक्के दुक्के फौजी बचे हुए हैं। लेकिन ये पुलिस वाले नहीं होते ना तो सच बता रहा हूँ अभी तक तो इस मिलिट्री बेस पे हम लोग कब्जा भी कर चुके होते। और यहाँ पे फौजियों का नहीं हमारा राज होता भाई। और हम लोग इस मिलिट्री बेस का पता है क्या करने वाले, हम यहाँ पे बनाएंगे रोबोटों का बेस, यानी यहाँ पे होंगे केवल रोबोट और हम लोग नए नए रोबोट बनाएंगे। बस ये लोग तो बस मरने ही वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे फौजी मर चुके हैं, बस इक्के दुक्के बचे हुए हैं। और ये गया फौजी, बस एक फौजी बचा हुआ है वहाँ पे जो भी लास्ट में है भाई, और वो भी मर गया। लो सर जी वो भी मर गया। अभी एक पुलिस वालों की कार बची हुई है। फिर यहाँ पे हम सभी रोबोट्स को बुलाएंगे और एकदम पार्टी करेंगे यहाँ पे भाई, क्योंकि यहाँ पे हम नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना। ओ भाई ये कहाँ से आ गया, अभी इसका भी कंकाल बन गया। अभी आगे देख के आता हूँ कि भाई कोई फौजी थोड़ी बचा है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई एकदम जिंदा होके। भाई इनकी आत्मा तो नहीं, ओ ये तीन फौजी वापस से आ गए। अरे भाई तुम जिंदा कैसे हो के आ रहे हो, हम लोगों ने अभी तो मारा तुम लोगों को लेकिन तुम फिर से आ गए। और भाई ये भी मर गया। दोस्तों यार क्या हम लोग कभी इस मिलिट्री बेस पे कब्जा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा रो फिर तो इनको मारते मारते थक चुका है भाई, कितने दिन हो गए लेकिन ये फौजी लोग मरते ही नहीं है। एक बार फिर से मार दिया लेकिन फिर से आ जाएंगे मेरे को पता है। लो सर जी अभी कहाँ पे हो भाई, ये देखो भाई फिर से आ गया, ये पीछे से भी आ गए। यार ये कहाँ से आ रहे, बस मुझे इस बात की पता चल जाए ना तो हम लोग उस जगह को ही बंद कर देंगे एकदम बिल्कुल परमानेंट बंद। और दोस्तों हमारे सुपर हीरो की बॉडी अभी भी हमारे पास में एक गुफा के अंदर बंद है, और म्यूटेंट और टिप्सन भाई उसके सूट को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर वो दोनों सफल हुए ना भाई तो हमारा सुपर हीरो वापस हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन क्या भाई ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है ना। लो सर जी ब्यूटेंग दोबारा से आ गया और हमारे रो फिरो को भी मारने वाला है, लेकिन हम लोग ऐसे ही थोड़ी मरने वाले हैं। हमको सुपर हीरो समझा गया भाई, हमने हमारी पावर जरूर खो दी है लेकिन अभी भी ताकत हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा है। चलो भाई लोगों यहाँ से भागने का टाइम आ चुका है, वरना ब्यूटेंग सच में हमें मार देगा ना। अभी दोस्तों आप लोगों ने यार अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोगों को कौन सा गेम अच्छा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बता दो। और हम भाग नहीं रहे थे भाई, हम तो हमारे टैंक के पास में आ रहे थे और वो गया इनका हेलीकॉप्टर। भाई हेलीकॉप्टर थोड़ी था वो तो भाई एरोप्लेन थी। चलो सर जी हम आ चुके दोबारा से हमारे टैंक के पास में, क्योंकि भाई हमें उस ब्लू टैंक से ये टैंक ही बचा सकता है क्योंकि ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों आप लोगों को यार इंतज़ार रहेगा इस पार्ट का, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि क्या हमारा सुपर हीरो दोबारा से हमारे वॉच टाउन में लौट कर आता है या फिर नहीं आता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।